सब्सक्राइब कीजिए लेडीज दुनिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपको एक अमेजिंग ट्रिक बताने वाली हूँ जो कि है पुदीना के ऊपर, और पुदीना आपको एक महीने तक फ्रेश कैसे रखना है ये सिखाने वाली हूँ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 2 बंडल ऑफ पुदीना पत्ता ले लिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितना फ्रेश है। जब भी आप स्टोर से या फिर मार्केट से लेके आते हैं उसी दिन आपको या फिर नेक्स्ट डे के अंदर इसको करना है। और मैं यहाँ पे एक एक पत्ता को ऐसे निकाल रही हूँ, आप देख सकते हैं, और जो ख़राब रहता है उसे साइड पर रखते हुए जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये थोड़ा सा येलो कलर है, इसे हम छोड़ देते हैं। उतना भी ख़राब नहीं है, तो आप तुरंत यूज़ करना है तो यूज़ कर सकते हैं या फिर डिस्कार्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लीव्स के ऊपर कैसे होल पड़ा हुआ है, तो फिर ये भी थोड़ा सा ख़राब हो चुका है। तो फिर इसे भी हम जब हम एक महीने तक स्टोर कर रहे हैं इसमें यूज़ नहीं करेंगे, साइड पर रख देते हैं। और ऐसा पत्ता रहता है ब्लैक कलर के स्पॉट्स हुआ रहता है उसे भी डिस्कार्ड करेंगे। येलो कलर पत्ता और जो ऐसे ख़राब हुआ रहता है इन पत्तों को हम डिस्कार्ड करेंगे, इसमें स्टोर करते हुए नहीं रखेंगे, नहीं तो ये सारी पत्तों भी ख़राब हो जाता है। और मैंने यहाँ पे पुदीना पत्ता को रनिंग वाटर में 2 बार वॉश कर लिया है। अब हम एक बॉल में डिप करेंगे इसे अच्छी तरीके से क्लीन वाटर में, और ऐसे लिफ्ट करके उठाएंगे और एक किचन टॉवल के ऊपर ऐसे स्प्रेड करेंगे, और एक्स्ट्रा जो वाटर रहता है इस कपड़े के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, ऐसे स्लोली टैप कीजिए। अब हम ऐसे स्प्रेड करेंगे और आधा घंटे तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ड्राई हो चुका है, और मैंने यहाँ पे एक एयर टाइट कंटेनर ले लिया है, और इसके नीचे एक पहले टिश्यू पेपर डालेंगे और पुदीना पत्ता डालते हुए जाएंगे, कितना पड़ता है उतने उतने तक डाल के रख देते हैं, और एक टिश्यू पेपर डाल के इसे क्लोज करेंगे और ढक्कन डाल देते हैं, और इसे हम एक महीने तक फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हैं। ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाए ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।